इस वीडियो में हम आपको दिखाऊंगा एक सेप्ट टूटा हुआ है। देख पा रहे हैं ये जो मोटर का सेप्ट है ये टूट गया है, और ये रोटर है, यहाँ पे इम्पिला रहता है, लेकिन ये जो पोर्शन आप देख सकते हो यहाँ पे टूट चुका है। ये बियरिंग जहाँ रहता है इस जगह रहता था, इस टाइप ये रहता था, लेकिन ये यहाँ से टूट गया। मैंने बियरिंग खोल के रखा है, आपको मैं दिखा देता हूँ वो किस टाइप से खराब हो चुका है। देखिए ये स्टेप यहाँ पे रहता है, स्टेप यहाँ पे रहता है, और ये जो सेफ्ट है ये देख सकते हो, यहाँ पे ये बियरिंग था, बियरिंग के इस साइड में ये टूट गया, और यहाँ पे जो बियरिंग है देख सकते हो इसी जगह पे पीछे के साइड, ये पीछे के साइड था तो इस साइड ये टूटा हुआ है। आपको मैं दिखा देता हूँ जो बियरिंग है यहाँ, ये जो बियरिंग रहता है यहाँ पे इसी बियरिंग से ये घूमता है, लेकिन जब ये बियरिंग के पास से टूट गया तो आपको ये नया बनाना होगा। इस टाइप ये बियरिंग रहता था और इसी के अंदर ये रहता था इस टाइप, लेकिन बियरिंग थोड़ा पीछे रहता था। अभी वो यहाँ पे टूट गया, तो इसलिए आपको रिपेयर करना होगा। जब तब ये सही हो जाएगा, हो सकता है इसको निकाल के नया डाल दो, नहीं तो आपको इसी को वेल्डिंग करके फिर से आपको बनाना होगा बियरिंग प्लेस, जो कि वो थोड़ा कॉस्टली होगा, और इसको चेंज करने में भी थोड़ा कॉस्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दो ही काम हो सकता है। अभी तो ये इसको निकाल के चेंज करना होगा, पूरा सेफ्ट बनाना होगा, और नहीं तो इसको वेल्डिंग करना होगा। तो आइए दूसरा वीडियो में मैं आपको वेल्डिंग करके या जो भी काम होगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा क्या कुछ हुआ है, तो वही दूसरा पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा ये टूटा हुआ सेफ्ट को किस तरह रिपेयर किया है और किस तरह दिखाया गया उसको, सब कुछ मैं दूसरा पार्ट में मैं आके दिखाता हूँ। आप देख सकते हो किस तरह सेफ्ट टूटता है मोटर का बियरिंग के पास से। ये ज़्यादातर क्या होता है, इसका पीछे पुली रहता है, तो पुली में बेल्ट का खिंचाव ज़्यादा होने से भी यही होता है, तो इसलिए बेल्ट थोड़ा कम खींच के चलाइए, क्योंकि इस जगह पे जो पुली था इस पुली में ही खिंचाव था बेल्ट का, तो इस तरह थोड़ा हो सकता है वो टूट गया इसी कारण। तो ज़्यादातर टूटता नहीं है, लेकिन ये टूट गया इस पोर्शन से, यहाँ से ये टूट गया। देखिए क्योंकि बियरिंग प्लेस है, बियरिंग प्लेस के बाद मतलब ये जो बियरिंग प्लेस है इसके बाद ये जो गड्ढा दिख रहा है इसी जगह पे टूट गया। इसके बारे में और कोई जानकारी है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं उसके बारे में कुछ आपको बताऊंगा, क्योंकि ये तो होता ही रहता है, सेफ टूटना ये कोई नया बात नहीं है, ये चलता रहता है, और ज़्यादातर सेफ इसी जगह पे टूटता है बियरिंग के पास ही। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा इसको किस तरह रिपेयर किया है। थैंक यू।